हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शानो किटन सी एस सी क्लासेस। इस वीडियो में हम हैंड शेकिंग मेथड देखेंगे असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर का। असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर क्या होता है हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, आप उसे रेफर कर सकते हैं। असिंक्रोनस मीन्स अगर दो कम्युनिकेटिंग डिवाइस के बीच में कॉमन क्लॉक नहीं होती है, मीन्स उनकी खुद की प्राइवेट क्लॉक्स होती हैं और उन्हें कंट्रोल सिग्नल्स के थ्रू आपस में सिंक्रोनाइज करना पड़ता है डेटा ट्रांसफर को। और इसके दो मेथड्स थे, जिसमें पहला स्ट्रोक कंट्रोल था, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है। और नाउ अब है हैंड शेकिंग मेथड। सो हैंड शेकिंग मेथड जनरली स्ट्रोब मेथड में जो प्रॉब्लम थी इसे सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्ट्रोब में जनरली एक ही कंट्रोल सिग्नल सेंड किया जाता है, सोर्स डेस्टिनेशन को सेंड करता है कि एक वैलिड डेटा अवेलेबल है और डेस्टिनेशन उसे रिसीव कर लेता है। बट डेस्टिनेशन के पास डेटा प्रॉपरली रिसीव हुआ है या नहीं, इसके लिए रिप्लाई में कोई सिग्नल नहीं आता है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को हमने क्या यूज़ किया, सेकेंड कंट्रोल सिग्नल को इंट्रोड्यूस किया है स्ट्रोब कंट्रोल सिग्नल के अलावा। तो ये जो सेकेंड कंट्रोल सिग्नल हम अलग से यूज़ कर रहे हैं, ये जनरली एक रिप्लाई प्रोवाइड करता है, दैट प्रोवाइड्स अ रिप्लाई टू द यूनिट दैट इनिशिएट्स अ डेटा ट्रांसफर। तो अगर सोर्स इनिशिएट करता है डेटा ट्रांसफर, तो रिप्लाई में डेस्टिनेशन यूनिट उसे रिप्लाई करेगा। अगर डेस्टिनेशन यूनिट इनिशिएट करता है डेटा ट्रांसफर, तो रिप्लाई में सोर्स यूनिट उसे रिप्लाई करेगा। सो जनरली इसमें टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, और इसलिए हम इसे कहते हैं टू वायर कंट्रोल। स्ट्रोक कंट्रोल सिग्नल यूज़ होता था, स्ट्रोक कंट्रोल सिग्नल के साथ साथ जब हम एक्नॉलेजमेंट सिग्नल यूज़ करते हैं, तो वो हैंड शेकिंग मेथड बन जाता है। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है टू वायर हैंड शेकिंग मेथड का, कि एक कंट्रोल लाइन यूज़ होती है बताने के लिए कि वैलिड डेटा बस में है, और दूसरा डेस्टिनेशन से आता है रिप्लाई में ये बताने के लिए कि डेटा एक्सेप्ट हो रहा है, या डेटा एक्सेप्ट हो चुका है। तो नाउ इसमें दो तरीके से हम देखते हैं, सोर्स इनिशिएटेड हैंडशेकिंग जब सोर्स इनिशिएट करता है, और दूसरा डेस्टिनेशन इनिशिएटेड हैंडशेकिंग जब डेस्टिनेशन इनिशिएट करता है। तो सोर्स इनिशिएटेड में देखते हैं, सपोज ये सोर्स है ये डेस्टिनेशन, तो सोर्स और डेस्टिनेशन डेटाबेस के थ्रू कनेक्टेड हैं, जिसके थ्रू डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन में ट्रांसफर होगा। सो यहाँ पे एक कंट्रोल सिग्नल आपको दिख रहा है, डेटा वैलिड सिग्नल। तो जब भी सोर्स इनिशिएट करता है, तो सोर्स एक सिग्नल भेजता है डेटा वैलिड सिग्नल, और रिप्लाई में डेस्टिनेशन यूनिट रिप्लाई में भेजता है डेटा एक्सेप्टेड का कंट्रोल सिग्नल सोर्स इनिशिएटेड हैंडशेकिंग में। तो ये हमें ध्यान रखना है कि टू वे जो हैंडशेकिंग लाइंस इसमें यूज हो रही है, वन इज डेटा वैलिड, अनदर इज डेटा एक्सेप्टेड। डेटा वैलिड इज जनरेटेड बाई सोर्स यूनिट एंड डेटा एक्सेप्टेड इज जनरेटेड बाई डेस्टिनेशन यूनिट। नाउ अब यहाँ पे ये ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है, और यहाँ पे ये टाइमिंग डायग्राम दिख रहा है। तो ये सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन कैसे होता है ये हम देखेंगे। सबसे पहले सोर्स इनिशिएट करेगा डेटा ट्रांसफर कैसे, डेटा बस में डेटा को रखने के बाद। जैसे ही डेटा बस में डेटा वो रखता है, देन डेटा वैलिड सिग्नल को इनेबल करेगा। डेटा वैलिड सिग्नल इनेबल होने के बाद डेस्टिनेशन को पता चल गया कि डेटा आ चुका है डेटा बस में, अब वो डेटा को रिसीव कर लेगा, और डेटा एक्सेप्ट करने के बाद डेटा बस में से वो डेटा एक्सेप्टेड सिग्नल रिप्लाई में भेजेगा सोर्स यूनिट को। ठीक है, तो डेटा एक्सेप्टेड मिलने के बाद अब क्या होगा, सोर्स को पता चल गया कि डेस्टिनेशन ने रिसीव कर लिया है, तो उसने पहले इनेबल किया था डेटा वैलिड को, और डेस्टिनेशन ने इनेबल किया डेटा एक्सेप्टेड। अब दोनों सिग्नल को हमें डिसेबल भी करना है, तो नेक्स्ट सोर्स क्या करेगा, डेटा वैलिड सिग्नल को डिसेबल कर लेगा, और जो भी डेटा है बस में से वो इनवैलिडेट हो जाएगा। नेक्स्ट डेस्टिनेशन यूनिट क्या करेगा, डेटा एक्सेप्टेड सिग्नल को डिसेबल कर लेगा। ठीक है, तो इसका टाइमिंग डायग्राम से आप देख सकते हैं, सबसे पहले क्या होगा, सोर्स डेटा बस में डेटा रखता है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप दिख रहे हैं इनेबल हुआ डेटा बस, जस्ट थोड़ी देर बाद डेटा वैलिड सिग्नल इनेबल हो गया। इट मींस जो भी डेटा है डेटा बस में वो वैलिड डेटा वर्ड्स हो गए इसमें। नाउ इसके जस्ट बाद डेस्टिनेशन जैसे इसे रिसीव करता है, वो डेटा को एक्सेप्ट कर लेगा जो भी वैलिड डेटा बस में रखा हुआ है। नाउ डेस्टिनेशन यूनिट क्या करेगा, डेटा एक्सेप्टेड सिग्नल को सेंड कर देगा। ये सेंड करने के बाद सोर्स को ये पता चल गया कि उसके पास एक्सेप्ट हो गया डेटा, नाउ डेटा वैलिड सिग्नल को डिसेबल कर लेगा, और ये डिसेबल होने के बाद जो वैलिड डेटा है वो भी इनवैलिडेट हो गया। अब जब भी नेक्स्ट ये इनेबल होगा डेटा वैलिड सिग्नल, तब इसमें वैलिड डेटा आएगा। इसी चीज़ को हम इस सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन से भी समझ सकते हैं। सोर्स सबसे पहले क्या कर रहा है, इट प्लेसेस द डेटा ऑन द बस, जैसे बस में डेटा लगाया रखा, डेटा वैलिड सिग्नल इनेबल हो गया। नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या करेगा, जो भी बस में डेटा है उसे एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द बस
एंड इनेबल क्या कर देगा, डेटा एक्सेप्टेड सिग्नल। नाउ सोर्स क्या करेगा, डेटा वैलिड सिग्नल को डिसेबल कर देगा। एक बार पहले इनेबल किया, अब डिसेबल करेगा, तो डिसेबल करेगा डेटा वैलिड सिग्नल को, तो डेटा बस में से डेटा भी इनवैलिडेट हो गया, तो इनवैलिडेट डेटा ऑन द बस। नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या करेगा, अब डेटा एक्सेप्टेड सिग्नल को डिसेबल कर लेगा, इट डिसेबल द डेटा एक्सेप्टेड सिग्नल, नाउ इट इज़ रेडी टू एक्सेप्ट द डेटा, नाउ वापस इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। नाउ ये हो गया सोर्स इनिशिएटेड हैंडशेकिंग। दूसरा है डेस्टिनेशन इनिशिएटेड हैंडशेकिंग। अब डेस्टिनेशन इनिशिएटेड में क्या हो रहा है, डेस्टिनेशन इनिशिएट कर रहा है डेटा ट्रांसफर के लिए। तो अब यहाँ पे जो पहले कंट्रोल सिग्नल था डेटा वैलिड और डेटा एक्सेप्टेड का, यहाँ पे यूज़ हो रहा है डेटा वैलिड और डेटा एक्सेप्टेड का नाम चेंज हो गया रेडी फॉर डेटा, बिकॉज डेस्टिनेशन इनिशिएट करेगा और इसका सिग्नल का नाम है रेडी फॉर डेटा। तो ये इनिशिएट करेगा ये सिग्नल भेज के, और ये बताना चाह रहा है सोर्स को कि मैं रेडी हूँ डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए, आप डेटा को मुझे सेंड करिए। तो इसलिए डेस्टिनेशन ने इनिशिएट किया। तो आप देखिए, सबसे पहले रेडी फॉर डेटा सिग्नल इनेबल हुआ। नाउ ये इनेबल होने के बाद क्या हो रहा है, जो भी सोर्स यूनिट है वो डेटा बस में डेटा को रखेगा, इट प्लेसेस द डेटा ऑन द डेटा बस, और उसके बाद डेटा वैलिड सिग्नल को इनेबल कर देगा। नाउ डेटा वैलिड सिग्नल इनेबल होने के बाद डेस्टिनेशन जो भी डेटा डेटा बस में है उसे एक्सेप्ट करेगा, और उसके बाद रेडी फॉर डेटा सिग्नल को डिसेबल कर देगा, ये डिसेबल कर देगा। उसके बाद सोर्स का क्या काम है कि डेटा वैलिड सिग्नल को डिसेबल करना और जो डेटा है डेटा बस में वो इनवैलिडेट हो जाना और वापस इनिशियल स्टेट में आ जाना। तो इसी को टाइमिंग डायग्राम्स के थ्रू समझिए कि सबसे पहले रेडी फॉर डेटा इनेबल हो रहा है, इसके इनेबल होने के बाद डेटा डेटा बस में आया, डेटा बस में आने के बाद थोड़ी देर बाद डेटा वैलिड सिग्नल भी इनेबल हो गया। तो डेटा वैलिड सिग्नल जब तक इनेबल है मींस डेटा वो रिसीव कर रहा है डेस्टिनेशन, और कुछ देर बाद जब वो रिसीव कर लेगा तो रेडी फॉर डेटा को डिसेबल कर लेगा। रेडी फॉर डेटा डिसेबल होने के बाद डेटा वैलिड सिग्नल भी डिसेबल हो जाएगा, डेटा भी इनवैलिडेट हो जाएगा और वापस नेक्स्ट स्टेट में, इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। आपको यहाँ पे एक फ्लो ऑफ ट्रांसफर यहाँ दिख रहा है, सबसे पहले डेस्टिनेशन ने जैसे रेडी हुआ डेटा एक्सेप्ट करने के लिए, उसने रेडी फॉर डेटा सिग्नल भेजा सोर्स को। जैसे ही सोर्स को मिला, सोर्स ने क्या किया, डेटा रख दिया बस में और इनेबल कर दिया डेटा वैलिड सिग्नल। नाउ डेस्टिनेशन एक्सेप्ट करेगा डेटा को फ्रॉम द बस, और जैसे ही सारा डेटा एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद रेडी फॉर डेटा को डिसेबल कर देगा, और डिसेबल करने के बाद सोर्स क्या करेगा कि हाँ उसे कंफर्म हो गया कि उसने डिसेबल कर दिया, मतलब उसको डेटा मिल चुका है, देन वो डेटा वैलिड को भी डिसेबल कर देगा और बस में जो डेटा वो भी इनवैलिडेट हो जाएगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कैसे सोर्स इनिशिएटेड में हम दो सिग्नल्स यूज़ कर रहे हैं, डेटा वैलिड और रिटर्न में डेटा एक्सेप्टेड आ रहा है एक्नॉलेजमेंट के रूप में, और यहाँ पर डेस्टिनेशन इनिशिएट कर रहा है रेडी फॉर डेटा और रिटर्न में उसे डेटा वैलिड सिग्नल मिलता है। नाउ हम दो एडवांटेजेस भी देखते हैं हैंडशेकिंग मेथड के। हैंडशेकिंग मेथड में हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है एंड रिलायबिलिटी है। कैसे, बिकॉज जो भी सक्सेसफुल कंप्लीशन हो रहा है डेटा ट्रांसफर का, वो दोनों एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं दोनों यूनिट्स, और अगर एक ने कोई कंट्रोल सिग्नल भेजा तो उसके रिप्लाई में दूसरा भी कंट्रोल सिग्नल भेजता है, जिसके थ्रू दोनों फ्लेक्सिबिली एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हुए रिलायबल वे में डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। तो और दूसरा एडवांटेज ये है कि अगर एक यूनिट फॉल्टी हो जाता है, ठीक है, तो डेटा ट्रांसफर तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसे पता कैसे करेंगे कि एक यूनिट फॉल्टी हो गया, तो उस केस में हम दोनों डिवाइसेस में सेंडर रिसीवर में एक टाइम आउट मैकेनिज्म रख देंगे और प्री डिटरमाइंड टाइम एक सेट कर देंगे। उस टाइम तक अगर डेटा रिसीव नहीं होता है तो एक अलार्म यूज करेगा, जिसके थ्रू पता चल जाएगा कि एक यूनिट में कुछ ना कुछ इशू हो गया है। समरी में अगर हम देखें स्ट्रोक कंट्रोल और हैंडशेकिंग मेथड में, तो वी कैन सी कि CPU और IO इंटरफेस जब भी कम्युनिकेट करते हैं आपस में, सो वो स्ट्रोक डेटा ट्रांसफर का यूज़ करते हैं, स्ट्रोक मेथड का यूज़ करते हैं, ओके। और जब भी IO डिवाइसेस एंड IO इंटरफेसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, देन वो हैंडशेकिंग मेथड का यूज़ करते हैं। सो ये ध्यान देने वाली बात है। So thank you so much for watching this video. If you like this video, please like, comment, share and subscribe this channel.